डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से किसी रूट वर्ड में, पिछले वीडियो में मैंने आपको इंट्रो दिया था इसका, कि रूट वर्ड में प्रीफिक्स यानी जो पहले लगते हैं आगे लगते हैं और सफिक्स जो वर्ड के बाद में लगते हैं वो लगा के नया वर्ड कैसे फॉर्म करें। जैसे प्योर, अब प्योर में आप क्या करेंगे, प्योर में अगर हम आगे एक, इसका मीनिंग भी चेंज हो जाता है, ठीक है, आगे अगर हम एक प्रीफिक्स लगा दें यानी इम, तो ये बन जाएगा आपका प्योर और प्योर। इसमें अगर हम लोग ly जिससे मोस्टली एडवर्ब्स बनते हैं सफिक्स लगा दें तो बन जाएगा प्योर। तो दो वर्ड और, प्योर से दो वर्ड और बन जाए, कौन कौन से, इम्प्योर और प्योर। ऐसे ही सर्टेन, सर्टेन में आप कौन सा प्रीफिक्स लगा सकते हैं, हाँ आप लोगों को याद आ रहा है, अनसर्टेन, ये इसका नेगेटिव भी बन गया है, लेकिन ये एक चीज और भी है, इसमें अन प्रीफिक्स लगाने से ये एक और वर्ड बन गया, ठीक है। इसी तरह से सर्टेन में भी हम लोग क्या लगा सकते हैं, एलवाई लगा सकते हैं आसानी से, जो आपको याद आए ऐसे कई वर्ड्स बन जाते हैं प्रीफिक्स और सफिक्स लगाने से, तो ये हो गया आपका सर्टेन और एलवाई यानी कि सर्टेन, ठीक है। ये आपके वर्कबुक में दिए गए हैं पेज नंबर 26 और 27, तो जो 27 पे एक्सरसाइज दी हुई है मैंने उसे दो एग्जाम्पल दिए, आप इसे पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेना, ये आपको बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेगी और आपको क्लियर भी हो जाएगा प्रीफिक्स और सफिक्स का मतलब। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज की, पहला पहला वीडियो जब हमने बनाया था, इसका पहला पहला इंट्रोडक्शन फोनेटिक्स का हमने बनाया था, उसमें मैंने आपको एक बात बताई थी, ये साउंड बेस्ड स्टडी है और अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो अब टाइम आ गया है कि हम लोग अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश को देखें कि उसमें क्या आपको लिखना है और क्या आपको किस तरह से बोलना है, क्या फर्क होता है दोनों में एग्जैक्ट, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल दिया था कि ब्रिटिशर्स जो हैं, हम लोगों के यहाँ जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश चलती है ब्रिटिशर्स के रहने की वजह से, जो भी हो, तो हम लोग जैसे जो स्पेलिंग हम लोगों ने जो ब्रिटिश उसमें डिक्शनरी में जो होती है हम लोग वही स्पेलिंग यूज करते आ रहे हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कलर, ये कलर, कलर ये ब्रिटिश स्पेलिंग है, ये ब्रिटिश इंग्लिश में लिखा गया है, तो ये ओ और यू लगाया गया है, यहाँ तक तो ठीक है। अब जो अमेरिकन इंग्लिश में इसको लिखेंगे अमेरिकन्स का ये मानना रहता है जैसा वो बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं, जैसा लिखते हैं वैसा ही बोलते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम इस यू को यूज ही नहीं कर रहे, ये यू हम लिख ही नहीं रहे, बोल ही नहीं रहे, तो हम लिखेंगे, इसीलिए अमेरिकन इंग्लिश में कलर को लिखा जाता है COLOR। और आजकल कंप्यूटर जो है वो भी अमेरिकन इंग्लिश जो है, अमेरिकन इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं उनको जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है, कई बार हमारे ब्रिटिश इंग्लिश के वर्ड्स भी थोड़े से हट जाते हैं उसमें, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश भी चलती है और अमेरिकन इंग्लिश के वर्ड्स भी अगर हम लिखते हैं, जैसे एक और एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं एनालाइज, ठीक है, और ये हो गया एनालाइज, यानी कि ये क्या होगा, ये ब्रिटिश अमेरिकन, एक और बहुत ही कॉमन सा जो एग्जाम्पल है डायलॉग और जज। अब आप देखिए एनालाइज यानी कि ये सर्च हो गए, हम इसको ज प्रोनाउंस करते हैं, ज ज के पीछे रुकता ज वर्ड Z, और यहाँ इसलिए ये इसकी स्पेलिंग यहाँ इसलिए अमेरिकन ने इसे लगाया है Z, कि भाई जब हम ज को
डायलॉग यू ई का कोई रोल ही नहीं है, तो अमेरिकन जैसे हट गया डायलॉग। तो इसी तरह से पेज नंबर 32 और 33 पर आप लोगों को कुछ एक एक्सरसाइजेस दी हुई हैं जो आप लोगों को अच्छे से सॉल्व करना। ये तो हो गई ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश के जो वेरिएंट्स हैं, इनको वेरिएंट्स बोलते हैं, ठीक है। अब एक होता है कि वर्ड्स ही चेंज हो जाते हैं, नाम ही चेंज हो जाते हैं। अब आजकल हम लोग क्योंकि हमारे यहाँ मॉल कल्चर बढ़ भी गया है, और पहले जो है हम लोग यूजुअली कहा करते थे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, एक वर्ड होता शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, क्या होता था एक पूरा कॉम्प्लेक्स बना रहता था, ठीक है, क्लस्टर बना रहता था शॉप्स का, उसमें अलग 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 कोई शूज की शॉप है, कोई क्लॉथ्स की है, इस तरह से करके अलग अलग शॉप्स होती थी, तो हम उसको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बोला। लेकिन आज के टाइम में वही मॉल होता है, मॉल में क्या होता है अलग 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 ब्रांड के और अलग अलग शॉप्स होती हैं अलग अलग चीज़ों की, और वो पूरी एक ही जगह होती है कॉम्प्लेक्स टाइप में, और उसको बोल दिया जाता है मॉल। तो ये जो वर्ड्स इतने ज़्यादा जो हम लोग अब यूज़ करने लगे हैं, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के बाद से काफ़ी चीज़ें जो हैं कॉमन हो गई हैं, तो अब हम बात करेंगे अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश के वर्ड्स का किस तरह से डिफरेंस होता है। जैसे ये है ब्रिटिश वर्ड ऑर्डर, ठीक है, अब ये जैसे वर्ड है ऑर्डर, ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ब्रिटिश वर्ड है, लेकिन इसी का अमेरिकन वर्ड होता है फॉर। आजकल हम लोग मोस्ट कॉमनली एक वर्ड यूज करते हैं सेल, यानी कि मोबाइल। अब ये सेल वर्ड क्या है, सेल वर्ड है आपका अमेरिकन वर्ड। अमेरिकन वर्ड्स की वजह से अब ज्यादा जो यंग जनरेशन जो है वो अमेरिकन वर्ड्स को ज्यादा यूज में लेने लगी है, लिखने में भी और बोलने में भी। शायद उसकी वजह से कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन भी है, तो खैर हमें आना भी चाहिए, अपडेट होना चाहिए, लेकिन जो करेक्ट कई बार जो हम लोग जो स्पेलिंग्स लिखते हैं, क्योंकि हम शुरू से एक ब्रिटिश इंग्लिश जो है वो थोड़ा एक क्लासिक स्टाइल में आ जाती है, और वो करेक्ट भी होती है, क्योंकि जो अमेरिकन इंग्लिश होती है ना उसमें ग्रामर और ग्रामर के रूल्स इनका किसी तरह से कोई ज़्यादा फॉलो नहीं किया जाता है। में हम लोग कुछ वर्ड्स पढ़ लेते हैं जो हमारे लिए अमेरिकन और ब्रिटिश थोड़े से मैं आपको बता देती हूँ अमेरिकन और ब्रिटिश दोनों में फर्क। जैसे बोनेट, ये है ब्रिटिश, अमेरिकन वर्ड है हुड, बोनेट जो कार का होता है, कॉल करना, रिंग करना अमेरिकन वर्ड, कॉल करना ब्रिटिश वर्ड, कार पार्क ब्रिटिश, पार्किंग लॉट अमेरिकन, सिटी सेंटर डाउनटाउन अमेरिकन, क्लास हम लोग बोलते हैं सिक्स क्लास, नाइन्थ क्लास, ट्वेल्थ क्लास, वो लोग बोलते हैं ग्रेड, सिक्स ग्रेड में कौन सी ग्रेड में हो, सिक्स ग्रेड, सेवन्थ ग्रेड, कुकर, स्टोव। हालांकि इन वर्ड्स को पढ़ने के बाद से हमको एक आइडिया ये लग रहा है कि हम अभी भी काफ़ी वर्ड्स ऐसे हैं जो ब्रिटिश वर्ड्स जो हमारे काफ़ी चलन में हैं, और गांव में और कम उसमें हम लोग इन्हीं वर्ड्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो पेज नंबर 32, 33 और 34 पर यही आपके वर्ड्स ये हैं। पेज नंबर 35 पर एक एक्सरसाइज दी हुई है जो बड़ी इंटरेस्टिंग भी है, और इससे हमें ये भी पता लग रहा है कि ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश दोनों में ग्रामर का कितना क्या यूज़ है। जैसे ब्रिटिश कोई अगर सेंटेंस है कि हैव यू ईटन, ठीक है, अब क्योंकि हैव है थर्ड फॉर्म है, यट लगा हुआ है, ठीक है, क्या अब तक आपने खा लिया है, खाना खा चुके हैं जो भी, ठीक है, लेकिन ये करेक्ट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है,
ठीक है, इसमें लट लग सकता है, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में डिड यू ईट यट, डिड और यट, ये दोनों सामने आना, यानी कि ग्रामेटिकल हिसाब से, ग्रामेटिकल रूल के हिसाब से ये दोनों साथ में गलत है, लेकिन इनका इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि अमेरिकन जो है उनको सिंपल शॉर्ट सेंटेंसेस जहाँ उनकी बात पूरी होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, उसमें पास्ट टेंस यानी कि सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट दोनों में ज्यादा भेद नहीं किया गया। अब ये सिंपल पास्ट ये प्रेजेंट परफेक्ट है, जबकि दोनों में फर्क होता है। प्रेजेंट परफेक्ट जो बात अभी भी जिसके रिजल्ट आने बाकी होते हैं, यानी वो अभी और वो सेंटेंस वो काम हमारा एक तरह से अधूरा है कि आगे भी चलेगा, लेकिन सिंपल पास्ट में मोस्टली जो एक सिंगल एक्शन, सिंपल एक्शन एट अ टाइम खत्म। शी वेंट हर होम यस्टरडे, ये हो गया आपका सिंपल पास्ट। शी हैड गॉन टू मुंबई लास्ट ईयर, यानी गई थी, या शी हैज गॉन टू मुंबई, यानी वो मुंबई जा चुकी है, लेकिन अभी आई है कि नहीं आई, ये ऐसा कुछ रिजल्ट हमने उसमें नहीं देखा। तो अमेरिकन और ब्रिटिश में यही एक ये बहुत बड़ा फर्क है जो हमें समझना चाहिए, और हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि ठीक है हम अपडेट रहें सारे नए चीज़ों से, नई बातों से, लेकिन हमारी जो ग्रामेटिकल जो रूल्स हैं, ग्रामेटिकल जो पैटर्न्स हैं, उनको हमें बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। अगर उसी तरह से सीखते हैं ग्रामर को, उनके रूल्स को फॉलो करते हुए, ध्यान में रखते हुए, तो हमें हमारी जो इंग्लिश जो बोलने की स्पोकन इंग्लिश होती है उसमें हमको काफ़ी मदद मिलती है और हम लोग फ्लुएंट भी हो जाते हैं। अब हम लोग एक एक्सरसाइज और डिस्कस करने वाले हैं जो आपके पेज नंबर 38-39 इस पे तो वो आपको एग्जांपल्स दिए हुए हैं, और पेज नंबर 40 पर क्या दिए हुए हैं वो एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। जैसे दो वर्ड दे दिए गए, ठीक है, दो वर्ड कौन से, लवली और लवेबल। अब इन दोनों में कितना कंफ्यूजन सा है, ठीक है, लवली जो है वो क्या है, एडजेक्टिव है, लवेबल लवेबल नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, यानी कि दोनों का हम लोगों को कंफ्यूजन नहीं रहता कि मीनिंग एक जैसा लग रहा है। जैसे शी इज अ लवली वुमेन विद लवेबल हैप्पीनेस, दोनों का मतलब नहीं हो गया ना एक तरह से कि वह एक लवली यानी कि प्यारी अच्छी लेडी है विद लवेबल हैप्पीनेस, लेकिन दोनों का यूज अलग 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 तरह से हो गया। तो ये हमको ध्यान रखना है कि कौन सा वर्ड कहाँ लगेगा, किस तरह से लगेगा और उसका क्या यूज रहेगा। जैसे अभी मैं आपको और एक एग्जांपल दे देती हूँ जिससे हमें ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगा। जैसे एक एग्जांपल है किसका, इसमें लगातार रहते हैं, तो प्रिंसिपल और प्रिंसिपल, अब जैसे अ प्रिंसिपल इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, ये क्या है, ये प्रिंसिपल है आचार्य, जो हमारे स्कूल के जो होते हैं प्रिंसिपल मेथड कोई लॉ, जैसे अ प्रिंसिपल इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल जो होता है वो सिद्धांत दिया हमेशा कह सकते, जैसे आर प्रिंसिपल हमारे जो प्रिंसिपल है वो और सिद्धांतवादी व्यक्ति है, ठीक है, सिद्धांतों वाले व्यक्ति। तो दोनों में थोड़ा सा फर्क है स्पेलिंग का, बोलने का एक जैसा है, तो हमें कन्फ्यूजन हो सकता है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसके लिए हम प्रैक्टिस करें और हमारी इंग्लिश काफ़ी बेटर भी होगी। एक लास्ट एग्जांपल एक और मैं आप लोगों को देना चाहूंगी, जैसे एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, दोनों को बिल्कुल होमोनिम्स बोलते हैं, इनको बोलने का बिल्कुल एक जैसा है, बी ई आर टी एच बर्थ और बर्थ, लेकिन मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट, बी ई आर टी एच बर्थ जो ट्रेन में होती है, बी आई आर टी एच बर्थ जो जन्म हम लेते हैं, जन्म जिसका मीनिंग होता है ना ऐसा। अब एक वर्ड है
है जैसे रिवॉर्ड और अवॉर्ड। रिवॉर्ड होता है मोस्टली जो हमारी मेहनत का फल होता है, और अवॉर्ड उस मेहनत के बेस पर अगर हम कुछ अच्छा अचीव कर लेते हैं जो हमें फल मिलता है उससे खुश होकर जो हमें पुरस्कार दिया जाता है, जो हमें इनाम दिया जाता है वो कहलाता है अवॉर्ड। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जैसे मदर टेरेसा वन मेनी इंटरनेशनल। क्या है बस अवॉर्ड, क्योंकि ये पुरस्कार था, रिवॉर्ड नहीं। रिवॉर्ड तो उन्हें मिला होगा जो उन्होंने इतनी मेहनत करी है ना, छोटे छोटे बच्चों की लाइफ बनाई, काफी उनको गोद लेती थी वो, एक तरह से उनको काफी बच्चों को, आप लोगों को मालूम है मदर टेरेसा के बारे में, काफी बच्चों को उन्होंने पाला पोसा एक तरह से, इसीलिए उनको मदर कहते हैं, मदर टेरेसा। अब मदर टेरेसा वन मेनी इंटरनेशनल अवॉर्ड्स, तो ये चीज हम प्रैक्टिस से आसानी से हमें आ सकती है, हासिल कर सकते हैं, और हमें कोई दिक्कत नहीं होगी अगर हम लगातार इन वर्ड्स पे थोड़ा वर्क करते हैं। हमारी स्पोकन इंग्लिश में फिर से कह रही हूँ आपको, स्पोकन इंग्लिश प्लस जो प्रोनाउंसिएशन हैं सब में सुधार आएगा, ठीक है।